So welcome back to our प्यारा सा YouTube channel, the Mr. Bio Buddy. ये है ना नाम, देख लो जाके नीचे. और आज से हम पिक रीजन स्टार्ट करने वाले हैं बायो के सारे चैप्टर की जो आ जाएंगे अल्टरनेट 11th और 12th के. और सबसे उसमें से सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड. तो इसमें से हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग. What is living? Something can grow, move, reproduce and carry out the various cellular activities. इसका एक्सप्लेन जो ऐसी चीज की जो ग्रो कर सकती है, मूव कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है और उसके अंदर कुछ सेलुलर एक्टिविटीज मतलब सेल डिविजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसी एक्टिविटीज होंगी उसको हम लिविंग थिंग बोल सकते हैं. और उसके बाद क्वेश्चन आता है भाई ग्रो क्या होता है. तो इंक्रीजिंग मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जब उसके अंदर का मास मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं और उसकी संख्या में कुछ चढ़ाव होते हैं उसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं. सीधे सबसे में इंक्रीजिंग मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. ये दो इंक्रीजिंग मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब इन दोनों में ग्रोथ, इन दोनों में इंक्रीज होने के ये दो कैरेक्टर है ग्रोथ के. एंड जो लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिविजन से होती है क्योंकि सबको पता है हम एक सबसे स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. उससे हम हमारी 4 सेल स्टेज 2 सेल स्टेज वो होता है वो माइटोसिस मियोसिस में देख लेंगे. और ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द ग्रोथ. और जो लिविंग थिंग तो शो करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ शो करती है, उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग भी कुछ ऐसी है कि जो ग्रोथ शो करती है. उसमें से एक नाम आता है सॉइल. सॉइल कुछ सालों में एक लेयर बढ़ जाती है. माउंटेन्स भी बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि सॉइल इरोजन नाम का एक कंसेप्ट है, मतलब वो पत्थरों का इरोजन कुछ तो है. ओके, और इसलिए ही ग्रोथ को हम डिफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम डिफिनेट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो होती है, इसलिए हम उसको प्रॉपर्टी और फीचर दोनों नहीं कह सकते. तो इसके बाद आता है यार रिप्रोडक्शन मीन्स हमारे जैसे ही मतलब हमारे जैसे कुछ. रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस फ्रॉम पेरेंट्स. रिप्रोडक्शन का सही मतलब होता है कि हमारे जैसे कुछ इंडिविजुअल्स तैयार करना. और इसी डेफिनेशन क्या है, प्रोड्यूसिंग यंग वंस फ्रॉम द पेरेंट्स, ये भी रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन हैज द सिनोनिम्स. सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर. हम रिप्रोडक्शन को ग्रोथ भी कंसीडर कर सकते हैं. ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ये भी सच बात है क्योंकि जिनमें इनफर्टिलिटी होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. फर्टिलिटी क्या होती है वो 12th में हम समझ जाएंगे और आपको 10th में पढ़ा भी होगा, इसलिए छोड़ दो. ऑल लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस का एग्जाम्पल होंगे म्यूल. म्यूल एक घोड़े और गधे का जब क्रॉस बनता है, घोड़े और गधे का क्रॉस, हम उसको म्यूल बोल सकते हैं. स्टराइल वर्कर्स भी जो ड्रोन्स होते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते में, उसको हम स्टराइल वर्कर भी बोलते हैं. और इनफर्टाइल ह्यूमन प्रोपोल्स, इनफर्टाइल मतलब जो जिसका मेल इनफर्टाइल होगा, जिसमें सीमेन प्रोडक्शन नहीं होगा या स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा या फीमेल्स में ओवल प्रोडक्शन नहीं होगा, समथिंग दैट कॉल्ड एज इनफर्टाइल ह्यूमन प्रोपोल्स. और उसके बाद आती है मेटाबॉलिज्म. द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल्स. और ये बात तो आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ ना कुछ केमिकल से बनी होती है, कुछ ना कुछ सारी केमिकल्स बने थे. द सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. जो उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस को हम एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. और ये नहीं होता है किसमें, नॉन लिविंग थिंग में. मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म डज नॉट ऑकर इन लिविंग थिंग बिकॉज सही सा रीजन है यार, जो केमिकल्स बने होते हैं पर उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है,
कुछ नॉन लिविंग केमिकल से बने होते पर उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए हम उनको नहीं, वो मेटाबॉलिज्म नहीं शो करते। मीन्स मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम डिफाइनिंग फीचर, फीचर और प्रॉपर्टी में थोड़ा सा अंतर होता है। फीचर मतलब उनके पास वो कर सकते हैं, फीचर वो कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी जो होता है वो उनके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो जान लो, और ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना जब भी लिखोगे ये नोट्स, तो ये अंडरलाइन है मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कॉन्शियसनेस, ये इस सबसे आसान टॉपिक है। द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब होता है अगर कोई चीज़ आपको टच करे तो उसके बदल उसके उसके रिस्पांस में जो हम जो चीज़ करते हैं उसको स्टिमुले बोलते हैं। इन शॉर्ट स्टिमुलस को हम रिस्पांस भी बोल देते हैं, इट्स कॉल्ड कॉन्शियसनेस। द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट प्रोड्यूस स्टिमुले इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। ह्यूमन इज ओनली सेल्फ कॉन्शियस एनिमल, स्टार मार्क पॉइंट, ह्यूमन इज ओनली वन, ओनली वन सेल्फ कॉन्शियस एनिमल। ह्यूमन ही एक एकमात्र एक एक ही ऐसा एनिमल है जो सेल्फ कॉन्शियस है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको स्टार मार्क कर देना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड, यही तक है कॉन्शियसनेस का जो ये टॉपिक है, तो ही मेन पॉइंट है, वो बाकी के छोड़ दो बाहर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक एज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। सब कुछ ना कुछ जो लिंक होता है पास्ट, पास्ट में जो लिंक है जो फ्यूचर में होने वाला है, या अभी जो लिंक अपने जो ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन के किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ होंगे, जैसे मान लो किसी के साथ होंगे, डॉग्स के साथ है आजकल, बस शेयरिंग कॉमन जेनेटिक, मतलब किसी ना किसी काल में उसके जेनेटिक मटेरियल कॉमन होते हैं, जैसे हमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, वैसे भी कुछ बैक्टीरिया में सिर्फ आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता, कुछ उसमें डीएनए होता है, कुछ में आरएनए, जाने दो बच्चा, तो वो आगे देखेंगे। और बट वायरिंग डिग्री, वायरिंग डिग्री उसका मतलब, डिग्री का मतलब होता है शेप और साइज में चेंज होना, मतलब शेप चेंज और स्ट्रक्चर चेंज होना, मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमसे जेनेटिक जेनेटिक में सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर हो सकते हैं, कुछ मात्रा में सिमिलर हो सकते हैं उस, और बट वो सिमिलर हो सकते हैं इसलिए वो लिंक रहते हैं, बट उनका स्ट्रक्चर साइज मतलब उनकी डिग्रीज जो है वो हमसे डिफरेंट होगी। सो ये तक था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना लिविंग वर्ल्ड का, उसका सेकंड पार्ट आएगा जल्दी ही इसी यूट्यूब चैनल के, तो सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन भी दबा देना, और यार लाइक करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, लाइक भी करो।